क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको टॉप थ्री फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा फ्लेक्सी कैप एक न्यू म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसे सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले ही इंट्रोड्यूस किया है इस कैटेगरी में मार्केट कैप एलोकेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें म्यूचुअल फंड लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में किसी भी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सीबिलिटी इन फ्लैक्सी कैप कैटेगरी ज्यादातर मल्टी कैप फंड फ्लैक्सी कैप फंड बन गए हैं इस वीडियो में मैं आपको टॉप फंडस के सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा बल्कि कंप्लीट सेलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू हम अपने टॉप थ्री फंडस को सलेक्ट करेंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में जितने भी फंडस हैं उन सारे फंडस के रिटर्न को हम कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क अक्रॉस फोर होराइजनस दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर्स साथ ही हम टॉप फंड्स के रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो को चेक करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उनके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे जिसमें कि हम सेक्टर एनालिसिस एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे एंड ऑफकोर्स हम इन टॉप फंड्स के बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे लाइक एय एम दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड एंड फंड मैनेजर डिटेल्स एंड बेसिस ऑल दीज डिटेल्स हम अपने टॉप थ्री फंड्स को रैंक करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सो लेट्स स्टार्ट आवर सेलेक्शन प्रोसेस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 24 फंड्स हैं आउट ऑफ दिस 24 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका ई 500 करोड़ से कम है और जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड थ्री ईयर्स से कम है हमें छोटे ई के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होगा तो इन फंड्स का ई काफ़ी कम हो जाएगा और मेजर मार्केट करेक्शन के समय रिडम्शन भी काफ़ी होते हैं तो ओवरऑल उस समय इन फंड्स का ई काफी कम हो जाएगा जिसके कारण इनके फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है एंड ऑफ कोर्स हमें ऐसे फंड्स को भी अवॉइड करना चाहिए जिसका इवन थ्री ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि किसी भी फंड या उसके फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए हमें लास्ट फ्यू ईयर्स के डेटा का रिक्वायरमेंट होता है एंड एनी हाउ अगर मार्केट में अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द ईयर जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है देन वाई टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन दीज न्यू फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अभी टोटल ट्वेंटी फोर फंड्स हैं आउट ऑफ 24 फोर फंडन फंड ऐसे हैं जिनका एयूएम 500 करोड़ से कम है इन सारे फंड को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है सो so हम अपने फाइनल लिस्ट से एच एस बी सी फ्लैक्सी कैप आई डी बी आई फ्लैक्सी कैप जे एम फ्लैक्सी कैप एल आई सी एम एफ फ्लैक्सी कैप नवी फ्लेक्सी कैप श्रीराम फ्लेक्सी कैप एंड टोरस फ्लेक्सी कैप को रिमूव करेंगे एंड नंबर ट्वेंटी वन टाटा फ्लेक्सी कैप रिलेटिवली एक न्यू फंड है और इसका इवन थ्री इय का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इस फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे सो so, ओवरऑल हम फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं और इन एट फंड्स का परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं रहा है ओवर लास्ट फ्यू सो वी आर लेफ्ट फंड्स फंड्स इन का स्कीम ने मैंने इंटेंशनली रिमूव किया है आप यहाँ पे इन सिक्सटी फंड्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं क्रॉस फोर होराइजन दैट इज वन ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर एंड टेन ईयर हम इन 16 फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क जब भी हम किसी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो फंड अपने बेंच को अच्छे मार्जिन से बीट करे कंसिस्टेंटली दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि अगर ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंच को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर रहे हैं अच्छे मार्जिन से तो हम पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसर रेशियो काफ़ी कम होता है मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न्स को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है ये उन पीरियड्स के रिटर्न हैं जिसमें फंड ने अपने बेंचमार्क को रफली टू परसेंट या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट किया है मैंने कुछ रिटर्न्स को ब्लू कलर में हाईलाइट किया है ये वो रिटर्न्स हैं जब फंड ने उस पीरियड में अपने बेंच को स्मॉल मार्जिन से बीट किया है इन दो हाईलाइटेड रिटर्न के अलावा जितने भी रिटर्न हैं वो अपने बेंच को बीट नहीं कर पाए हैं आउट ऑफ दीज फंड्स अगर आप नंबर 16 को देखें तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को सारे होराइजन्स में कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है सिमिलरली अगर आप नंबर 13 को देखें तो इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को सारे होराइजन्स में कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है और अगर आप नंबर 12 को देखें तो इस फंड ने आउट ऑफ थ्री होराइजन्स टू होराइजन्स में अपने बेंच को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है इसके अलावा दो फंड्स और हैं नंबर थ्री एंड फोर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है इन दोनों ही फंड्स ने थ्री इयर्स एंड फाइव इयर्स में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है जबकि टेन ईयर में अपने बेंचमार्क को स्मॉल मार्जिन से बीट किया है नाम इन रिटर्न को इनके स्कीम नेम्स के साथ चेक करेंगे सो तो हमारे थ्री टॉप फंड नंबर ट्वेल्व थर्टीन एंड सिक्सटीन नंबर ट्वेल्व त्वेल है पराग पारे फ्लैक्सी कैप फंड नंबर थर्टीन है पीजीआईम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड नंबर सिक्सटीन है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड इसके अलावा टू फंड्स और हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है दैट इज नंबर थ्री एंड नंबर फोर ये फंड्स फंडारो फ्लेक्सी कैप फंड एंड डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड बेसिस करेंट परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फाइव फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है एंड आउट ऑफ दी फंड थ्री फंड ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है नॉम इन टॉप थ्री फंड के रिटर्न को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बेंच मार्क पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड ने वन ईयर में रिटर्न जनरेट किया सिक्सटी टू पॉइंट वन टू जो कि बेंच मार्क से कम है थ्री ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया 21.56 एंड फाइव ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया 20.14 सो थ्री ईयर एंड फाइव ईयर में इस फंड ने अपने बेंच को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का वन ईयर का रिटर्न है 83.14 थ्री पॉइंट ईयर का रिटर्न है ट्वेंटी एंड फाइव ईयर्स का रिटर्न है ट्वेंटी पॉइंट थ्री फोर सो अक्रॉस ऑल थ्री होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंच मार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का वन ईयर का रिटर्न है सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री ईयर्स का रिटर्न है एटीन पॉइंट सिक्स फाइव फाइव ईयर्स का रिटर्न है सेवनटीन पॉइंट सिक्स फोर एंड टेन ईयर्स का रिटर्न है फिफ्टीन पॉइंट थ्री थ्री सो अक्रॉस ऑल फोर हो इस फंड ने अपने बेंच मार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली न्यू फंड है दैट्स वाई इनके टेन ईयर्स के रिटर्न अवेलेबल नहीं है हम इन थ्री फंड्स के रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेश चेक करेंगे अक्रॉस थ्री ईयर एंड फाइव ईयर होराइजन रिस्क रेशियो में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड इवेशन इन बीटा स्टैंडर्ड इवेशन बीटा जितना कम होगा वो फंड उतना कम रिस्की माना जाएगा रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम चेक करेंगे अल्फा एंड सार्प रेशियो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा अगर आप रिस्क रेशियोज चेक करें तो पीजीआईम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन बीटा दोनों ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टू फंड्स दैट मीन्स ये फंड रिलेटिवली ज्यादा रिस्क ले रहा है जबकि पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवेशन एंड बीटा दोनों ही कम है दैट मींस इस फंड ने कम रिस्क लिया है अगर आप रिस्क रिवार रेशियोज चेक करें तो पारे फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा एंड सार्क रेशियो दोनों ही ज्यादा है कंपेयर टू अदर टू फंडाग तो पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और इसने रिस्क भी रिलेटिवली कम लिया है सिमिलरली इन फाइव ईयर होराइजन ऑल्सो पीजीआईम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क रेशियोज दैट इज स्टैंडर्ड डिवेशन एंड बीटा ज्यादा है कंपेयर टू अदर टू फंड एंड पराग पारे फ्लैक्सी कैप फंड का रिस्क रिवार्ड रेशियो दट इज एंड सार्प रेशियो ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर टू फंड so, पारक फ्लैक्सी कैप फंड ने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं और इसने रिस्क भी कम लिया है नॉ लेक डिटेल्स ऑफ ऑल थ्री फंड ऑल थ्री फंड का बेंच मार्क है निफ्टी फाइव हंड्रेड इंडेक्स पराग पारे फ्लेक्सी कैप का एम है मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है थाउजेंड रुपीज का एंड मिनिमम एस आई पी इन्वेस्टमेंट है थाउजेंड रुपीज का इस फंड का एक्सपेंस रेशन वन परसेंट इस फंड का एग्जिट लोड टू परसेंट होगा अगर आप इस फंड के यूनिट्स वन ईयर से पहले रिडीम करते हैं और अगर आप इस फंड के यूनिट्स वन ईयर एंड टू ईयर के बीच में रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड वन परसेंट होगा टू ईयर एग्जिट लोड जीरो होगा पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का ई एम है अबाउट वन थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ इसका मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है फाइव थाउजेंड एंड मिनिमम एस आईपी इन्वेस्टमेंट है थाउजेंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है पॉइंट फोर जीरो इस फंड का एग्जिट लोड है 0.5 परसेंट अगर आप इस फंड के 10 परसेंट से ज़्यादा यूनिट्स 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं आफ्टर 90 डेज एग्जिट लोड जीरो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का ई है अबाउट 18,400 करोड़ इस फंड में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है फाइव थाउजेंड एंड मिनिमम एस इन्वेस्टमेंट है फाइव इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वन जो कि काफ़ी ज्यादा है इस फंड का एग्जिट लोड है वन परसेंट अगर आप टेन परसेंट से ज़्यादा यूनिट्स वन ईयर से पहले रिडीम करते हैं आफ्टर वन ईयर एग्जिट लोड जीरो है नॉम इन थ्री फंड्स के फंड मैनेजर्स के डिटेल्स को चेक करेंगे यू टी आई फ्लैक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर हैं अजय त्यागी जो कि इस फंड को जैन 2016 से मैनेज कर रहे हैं अजय त्यागी सी एफ ए हैं फ्रॉम सी एफ ए इंस्टीट्यूट यूएसए एंड मास्टर्स इन फाइनेंस हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस्टर त्यागी यू टी आई इक्विटी रिसर्च टीम में टू थाउजेंड से काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने एज अ असिस्टेंट फंड मैनेजर काम किया इन ऑफसोर फंड डिवीजन फ्लेक्सी Flexicap फंड के फंड मैनेजर है नाहा जो इस फंड को अप्रैल 2018 से मैनेज कर रहे हैं अनिरुद्ध नाहा ने मास्टर्स किया है इन फाइनेंस एंड कंट्रोल मिस्टर नाहा का इक्विटी एंड डेट मार्केट्स में मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है परत पारे फ्लेक्सी कैप फंड के टू फंड मैनेजर्स हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर जो कि इस फंड को मे टू से मैनेज कर रहे हैं राजीव ठक्कर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और साथ ही उन्होंने सी एफ एंड सी एफ पी भी किया है सेकेंड फंड मैनेजर है राज मेहता जो कि इस फंड को जैन टू थाउजेंड सिक्सटीन से मैनेज कर रहे हैं मिस्टर राज मेहता कॉमर्स ग्रेजुएट हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और साथ ही उन्होंने सी एफ ए भी किया है मिस्टर राज मेहता ने अपना करियर पराक पर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था इन टू थाउजेंड ट्वेल्व नॉम इन थ्री फंड के मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को चेक करते हैं पराग पारेक् फ्लैक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 58.90 मिड कैप में थर्टी पॉइंट एंड स्मॉल कैप में 6.37 पीजीएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 47.80 मिड कैप में ट्वेंटी फाइव एंड स्मॉल कैप में ट्वेंटी थ्री परसेंट यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है फिफ्टी मिड कैप में थर्टी एंड कैप में थ्री सॉफ्ट ऑफ दीज थ्री फंडस पराग पारे फ्लैक्सी कैप फंड एंड यू टी आई फ्लैक्सी कैप फंड का लार्ज कैप एंड मिड कैप में अच्छा एक्सपोजर है जबकि स्मॉल कैप में इन दोनों का एक्सपोजर काफी कम है जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्मॉल कैप में भी अच्छा एलोकेशन है नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो ऑफ दीज थ्री फंड लेट्स स्टार्ट विथ यू टी आई फ्लेक्सी कैप फंड पहले हम इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन चेक करते हैं फाइनेंशियल्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 25.27 फाइव हेल्थ केयर में है 15.77 टेक्नोलॉजी में है 13.95 सर्विसेज में है 10.15 केमिकल्स में है 8.15 और ऑटोमोबाइल में है 7.07 इसके अलावा इनके कुछ और सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट है लाइक एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स मेटल्स एंड कम्युनिकेशन किसी भी एक सेक्टर में काफी ज्यादा एलोकेशन नहीं है सो so, ओवरऑल इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है न हम उन स्टॉक्स को चेक करते हैं जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस में 6.05, पॉइंट बैंक में 5.64, पॉइंट इंफोटेक में 4.44, पॉइंट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.98, पॉइंट नाइन में है थ्री पॉइंट में 3.89, पॉइंट एस्टल में है थ्री पॉइंट एज में है 2.99 टाटा कंसल्टेंसी Services में है इन पॉइंट आल्सो इस एंड ने फाइनेंस बैंक में वेल स्प्रेड आउट किया है और किसी भी स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है लेट्स चेक द पोर्टफोलियो पीजीआईम इंडिया फ्लेक्सी कैप स्टार्ट विद सेक्टर लोकेशन फाइनेंशियल में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है 25.82, टेक्नोलॉजी में है 11.49, केमिकल्स में, में है 10.18, इंजीनियरिंग में है 9.71। हेल्थ केयर में एट पॉइंट थ्री एट कंस्ट्रक्शन में सेवन पॉइंट एट टू एंड मेटल्स में फाइव पॉइंट फोर सेवन इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स में भी इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज ऑटोमोबाइल सर्विसेज कंज्यूमर ड्यूरेबल एफ कम्युनिकेशन एंड डाइवर्सिफाइड इस फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मेनी सेक्टर्स वेल डाइवर्सिफाई किया है और किसी भी सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है न हम इस फंड के स्टॉक्स को चेक करेंगे इन्फोसिस में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.19 पॉइंट वन में है 5.82 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.56 पॉइंट एक्सिस बैंक में है 4.04 पॉइंट डिवीज लैब में है 3.93 पॉइंट कैनफिन होम्स में 3.44 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में है टाटा स्टील में है 2.89 पीआई इंडस्ट्रीज में है 2.84 एंड एसकेएफ एफ इंडिया में 2.77. सो इन स्टॉक्स आल्सो इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को वेल स्प्रेड आउट किया है और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है

सो एज कंपेयर टू यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड पीजीआई एम फ्लेक्सी कैप इस फंड का पोर्टफोलियो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है इस फंड ने रिलेटिवली कम सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इस फंड का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है एट अबाउट थर्टी नाइन परसेंट ना हम उन स्टॉक्स को चेक करते हैं जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस फंड का अल्फाबेट जो की गूगल की पेरेंट कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट है नाइन पॉइंट फोर सेवन परसेंट में सेवन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट माइक्रोसॉफ्ट में सेवन पॉइंट एट थ्री परसेंट बजाज होल्डिंग्स में है सेवन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट फेसबुक में सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में है फाइव पॉइंट नाइन फाइव परसेंट परसिस्टेंट सिस्टम्स में फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट एच सी एल टेक्नोलॉजीज में है फाइव पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट हीरो मोटरकॉप में है फोर पॉइंट नाइन थ्री परसेंट एंड अमेजोन में है फोर पॉइंट सेवन फोर परसेंट सो एज कम्पेयर टू अदर टू फंड इस फंड का इनके टॉप स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है पराग पराग फ्लेक्सी कैप फंड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इस फंड का ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में है स्टॉक्स लाइक अल्फाबेट माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक अमेजोन लास्ट वन ईयर में अगर आप इन फंड्स के रिटर्न्स देखें तो पाराक पारे फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न रिलेटिवली लेस है एट जबकि पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी ज्यादा है एटी थ्री परसेंट एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है अबाउट सिक्सटी नाइन परसेंट अगर आप इन थ्री फंड्स के पोर्टफोलियोज को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इनके रिटर्न में इतना डिफरेंस क्यों आया है लास्ट वन ईयर में लास्ट वन ईयर में सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी केमिकल्स एंड मेटल्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है स्पेशली केमिकल एंड मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ने ह्यूज रिटर्न जनरेट किए हैं अगर आप पराक पारे फ्लेक्सी कैप फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है बट देन हेल्थ केयर में इनका इन्वेस्टमेंट काफी कम है और केमिकल्स एंड मेटल्स में इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है जबकि अगर आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन को देखें तो इसमें ऑल फोर सेक्टर्स दैट इज टेक्नोलॉजी केमिकल्स हेल्थ केयर एंड मेटल्स में अच्छा एलोकेशन दिया गया है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के आउट परफॉर्मेंस का एक और बड़ा रीजन है इसका स्मॉल कैप में ह्यूज एलोकेशन सो नाउ बेसिस ऑल दीज डिटेल्स वी विल रैंक आवर थ्री फंड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड अब टॉप दैट इज नंबर वन फंड विल बी पराग पारेक फ्लेक्सी कैफ फंड नंबर सेकंड फंड विल बी पी इंडिया फ्लेक्सी कैफ फंड एंड नंबर थर्ड विल बी यूटीआई टी फ्लेक्सी कैफ फंड अगर आपने इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप पराग पारक फ्लेक्सी कैफ फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें इससे आपको इंटरनेशनल इक्विटी में अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और अगर आपका इंटरनेशनल फंड्स में ऑलरेडी अच्छा एलोकेशन है तो आप पीजीआईम इंडिया फ्लैक्सी कैप या यूटीए फ्लैक्सी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सो दैट सेट इन दिस वीडियो अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग